वेस्टइंडीज की धरती पर इतिहास रचने वाली यश धूल की अंडर 19 टीम के लिए बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कैरिबियन धरती पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के मेंबर को सम्मानित करने जा रही है, जिसके लिए खुद बोर्ड सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचाई है। क्या है पूरी खबर और किस तरह से बीसीसीआई करेगी भारत के युवा टीम का सम्मान, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। शनिवार 5 फरवरी को वेस्टइंडीज के एंटीगा में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर बड़ा इतिहास रच दिया है। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा कर लिया है और यश धूल भी, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शाह जैसे वाहिद कप्तानों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इससे पहले ये करिश्मा किया था। जिसके बाद बीसीसीआई की तरफ से यश धूल की इस युवा टीम को बधाई दी गई और साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान भी किया गया। आपको बता दें कि भारत के अंडर 19 चैंपियन बनने के कुछ मिनटों बाद ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बोर्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हर एक खिलाड़ी को 40 लाख रुपए से सम्मानित करेगी। इसके अलावा टीम इंडिया के दल में मौजूद सारे सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को भी 25-25 लाख रुपए देने की भी घोषणा हुई है। बोर्ड सचिव ने देर रात ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि बीसीसीआई ने अंडर 19 के लड़कों को वर्ल्ड कप फाइनल में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए 40 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 25 लाख का इनाम जारी किया जा रहा है। आप सभी ने देश को काफी गौरवान्वित किया है। यकीनन इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है और सारे खिलाड़ी इनाम के हकदार भी हैं। तो दोस्तों, बीसीसीआई के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े पल पल की खबर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।